ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जो 26 नवंबर 2011 के मुंबई आतंकी हमलों में वीरगति को प्राप्त हुए थे। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश 26 नवंबर को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस दिन राष्ट्र पर सर्वाधिक खतरनाक आतंकी हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि देशवासी उन वीरों को याद करते हैं जिन्होंने आतंकी हमले के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। श्री मोदी ने कहा कि 26 नवंबर का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 1949 में इसी तिथि को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया था। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्र एकजुट होकर नागरिकों के कर्तव्यों को प्राथमिकता देते हुए निश्चित रूप से विकसित भारत का दर्जा प्रण पूरा करेगा। स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने के बारे में श्री मोदी ने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता कई परिवर्तनों का नेतृत्व कर रही है। उन्होंने कहा कि त्योहारों के समय इसका प्रत्यक्ष उदाहरण सबने देखा, जब लोगों ने स्थानीय उत्पाद खरीदे और वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहन दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल सुरक्षा 21वीं सदी की बहुत बड़ी चुनौतियों में से एक है। जल संरक्षण पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक जिले में अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कौशल विकास के महत्व पर बल देते हुए आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम की संस्था बेलजीपुरम यूथ क्लब का उदाहरण दिया। ये यूथ क्लब कौशल विकास पर ध्यान दे रहा है और इसने लगभग 7000 महिलाओं को सशक्त बनाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम की एक उपलब्धि ये भी है कि इसने रेडियो को घर घर में और अधिक लोकप्रिय बना दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुंबई आतंकी हमले में मातृभूमि के लिए प्राण न्योछावर करने वाले बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राष्ट्र वीर सैनिकों की स्मृति को सम्मान देते हुए उनके परिवारों और प्रियजनों के साथ खड़ा है। आज संविधान दिवस है। संविधान सभा ने 1949 में आज ही के दिन संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हो गया था। संविधान स्वीकार किए जाने की याद में आज का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज संविधान दिवस के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लोगों से संविधान की सच्ची भावना को मजबूत करने का संकल्प लेने का अनुरोध किया है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और प्रचार अभियान अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य दल प्रचार में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्य में मेडक जिले के तोपरान में जनसभा करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी कामारेड्डी में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव आज खानपुर, जगतियाल, विमुलवाड़ा और डुब्बाका में जनसभाएं करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दो दिवसीय दौरे पर आज शाम ओडिशा पहुंचेंगी। वे कल पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा आयोजित बोईता वंदना समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति वर्चुअल माध्यम से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में 12 नवंबर से फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव कार्य जारी है। श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए डाली गई पाइपलाइनों में छड़ों में ऑगर मशीन के ब्लेड कटने का कार्य चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राहत कार्य कठिन परिस्थितियों में भी जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।